होली शब्द एक है लेकिन अर्थ अनेक है। यही वजह है कि इसे सिर्फ शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। खुमारी, मदहोशी, मौज मस्ती, नाच गाना और हुड़दंग यानी अपने सभी गमों को भुलाकर खुशी का इजहार करने के जितने भी तरीके इस कायनात ने हमें दिए हैं वो है होली। नमस्कार, मैं हूँ सपना यादव और आप मना रहे हैं TV9 डिजिटल के साथ ये खूबसूरत त्योहार। वैसे तो होली की खुमारी में पूरा देश मदमस्त है, लेकिन जब बात बनारस की होती है तो फिर बात ही कुछ और हो जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ होली नहीं खेली जाती, यहाँ काशी की होली खेली जाती है जिसमें रंग नहीं भस्म से श्रृंगार किया जाता है, जिसके सामने दुनिया का हर रंग फीका पड़ जाता है। जी हाँ, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रंगों के त्योहार यानी होली में एक रंग अनोखा चढ़ता है और वो है चिताओं की भस्म का। बनारस यानी दुनिया का वो इकलौता शहर जहाँ अबीर गुलाल के अलावा धधकती चिताओं के बीच भस्म की होली बनारस के मिजाज को मदमस्त कर देती है। यहाँ घाट से लेकर गलियों तक होली के हुड़दंग का हर रंग निराला होता है, क्योंकि कहते हैं कि होली के दिन यहाँ देवों के देव महादेव खुद होली खेलने के लिए आते हैं, वो भी अपनी पूरी टोली के साथ। बनारस में 5 दिन पहले ही यानी रंगभरी एकादशी के साथ ही होली की शुरुआत हो जाती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ रंगभरी एकादशी के दिन ही माँ पार्वती का हिमालय से गौना कराकर अपनी नगरी काशी पहुँचे थे। काशी में ये परंपरा 357 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। परंपरा के अनुसार भक्तों ने टेढ़े नीम इलाके से महंत आवास में बने देवी पार्वती के मायके से बाबा विश्वनाथ का गौना कराकर विश्वनाथ मंदिर के लिए निकले। इस दौरान भक्तों ने बाबा विश्वनाथ और मां पार्वती की चांदी की मूर्ति के दर्शन कर उन पर अबीर गुलाल अर्पित कर जमकर होली खेली। ऐसी मान्यता है कि जब बाबा विश्वनाथ रंगभरी एकादशी के दिन गौना कराकर मां पार्वती को हिमालय से काशी लेकर आए थे तो उनके काशी आने पर भक्तों ने उनके साथ होली खेली थी। इसी मान्यता के अनुसार पिछले 357 सालों से यहाँ ऐसी होली खेली जा रही है। रंगभरी एकादशी के अगले दिन यानी फागुन शुक्ल द्वादशी को महाशमशान पर चिता भस्म के साथ होली खेली जाती है। ये होली भगवान महाशमशान नाथ मतलब भूत भावन शंकर अपने गणों भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस आदि के साथ खेलते हैं। शिव पुराण और दुर्गा सप्तशती में इसका उल्लेख भी मिलता है। कहते हैं साल में एक बार होलिका दहन होता है, लेकिन महाकाल स्वरूप भोलेनाथ की होली रोज होती है। फागुन शुक्ल द्वादशी को भगवान भोलेनाथ अपने औघड़ रूप में काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच चिता की भस्म से होली खेलते हैं। एक तरफ जहां चिताएं जलती हैं, वहीं फिजाओं में डमरू की गूंज और हर हर महादेव के जयकारे भी सुनाई देते हैं। भांग पान और ठंडई की जुगलबंदी के साथ अल्हड़ मस्ती हुल्लड़बाजी के बीच हर कोई एक दूसरे को मणिकर्णिका घाट का भस्म लगाता है। इस मौके पर विदेशी सैलानी भी जमकर इसका आनंद लेते हैं और इसी को कहते हैं मसाने की होली। लगभग 350 सालों से चली आ रही है इस परंपरा में जरा भी बदलाव नहीं हुआ है। ये आज भी वैसे ही मनाई जा रही है जैसे पहले मनाई जाती थी। हालांकि अब महंत आवास का पता जरूर बदल गया है। दरअसल प्राचीन महंत आवास काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में चला गया है। इससे स्थायी महंत आवास मंदिर से कुछ ही दूरी पर टेढ़ी नीम इलाके में बना हुआ है और यहीं से माँ पार्वती और बाबा विश्वनाथ की शोभा यात्रा निकलकर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची। 350 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये परंपरा अब एक धर्म का रूप ले चुकी है। तो आपको हमारी दी गई ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे डिजिटल चैनल और देखते रहिए TV9 डिजिटल।